हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग. वेलकम टू एजुकेशन एक्सप्रेस. दिस इज़ लोपामुद्रा दास एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द इम्पोर्टेंट बुक ऑफ्स रिलेटेड टू द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द टुडे फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड दैट इज कन्फ्लैग्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फ्लैग्रेशन फास्ट हमको बुझाव पड़ेगा. द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज an extensive fire which destroys a great deal of land or property. गोटे विराट बड़ धरण फायर गोटे बहुत एक्सटेनसीव बहुत डेंजरियस से गोटे लैंड प्रॉपर्टी किसी भी लैंड और प्रॉपर्टी को से पूरा ध्वंस करदेव राइट पूरा डिस्ट्रॉय करदेव एंड तार एग्जाम्पल हूँ इनफर्नो ब्लेज फायरस्टॉर्म. सो हियर वी कैन मेक एन एग्जाम्पल द फायर सर्विसेस वेयर नॉट एडिक्वेट टू डील विथ मेजर कन्फ्लैग्रेशन. So here we have to understand in this way that what is the meaning of adequate, right? The sentence is right. It is not able to eradicate the problem. It is not sufficient. Actually, it's not enough to eradicate the problem. So here it is the adequate. Then next word, that is barbarous. और यू कैन से बार्स बी ए आर बी एस सी बार बार्स कह पूर्व आ कि वार्ड आपण कह रखुच्छे गोटे वार्ड अच्छे आम कहपर दैट इज बारबरस. ओके बारबरस द वर्ड बारबरस मीन्स व्हिच मीन्स वेरी हीनियस. ओके एंड वी कैन से वेरी लाइक क्रुएल वेरी एट्रोसिटी बहुत लाइक हिंसात्मक लाइक बहुत लाइक निष्ठुरता वी कैन से. सो हियर बार्ब्स रु जेहेतु बारबरस बारबरियन आसुचे बट एक्जाक्टली हियर बार्ब्स इज यूज एज अ नाउन. ओके एंड व्हिच मीन्स अ डेलीबरेटली टचफुल रिमार्क. ओके गोटे रिमार्क दौचे जोटा कि व्हिच इज वेरी हम लाइक हच. ओके व्हिच इज लाइक वेरी लाइक सोफिस्टिकेटेड फॉर अदर्स वी कैन से. सो द सिनोनिम्स ऑफ द बार्ब्स आर इंसल्ट स्नियर जीव और स्कॉफ. सो जदि आम कहे सिनोनिम तार हूँ इनसल्ट करवा एंड अल्सो आम ये यूज कर पारा द वर्ड कंडेम. ओके सी ओ एन डी एम एन. सो हियर वी कैन यूज कंडेम. सो एंटोनिम हूँ कंप्लीमेंट प्रेज कमेंट. ओके सो लेट्स गो टू द एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज गिवन दिस लिरिकल वर्क अल्सो कंटेंट हिडन वर्ब्स. ऑल्दो द वर्क इज वेरी लिरिकल ऑल्दो द वर्क इज वेरी स्मूथ ब्यूटिफुल बट स्टील देर आर मेनी हिडन वर्ब्स आर देयर. ओके कमिंग टू द अदर फर्स्ट दैट इज इनकर्ड. ओके इनकर्ड मीन्स सफर. मैं जो एग्जाम्पल गोटे कह द बॉय इज incurring from frustration for scoring the lowest mark in the exam. Okay, the boy is suffering for having or for scoring the lowest marks. Then hitherto, hitherto ro mane hochi so far. Okay, semti good example ame na kahiba. He like the scientist or we can say all the scientists from the nook and corner of the world didn't able to find the solution of coronavirus hitherto. Okay, hitherto manne hela so far ame kahi pariba like till now. Okay, then next one is countenance. Countenance means face, nothing else. It means it is used as a noun and the meaning is face. Then entrenched. Entrenched means established. Okay, then appraise. सी ये गोटे अच्छी जिनस अप्रेज आ गए अप्रेजल. अप्रेज मीन्स इनफर्म. ओके जब गोटे एग्जाम्पल कह लास्ट डे आई अप्राइज यू ऑल फॉर डूइंग द वर्क इनफर्म. बट जब अप्रेजल करवा ओके एक्जाक्टली इफ आई से अप्रेज ए पी पी आर ए आई ए सी. अप्रेज मीन्स व्हाट. अप्रेज मीन्स एनालिसिस. ऑलवेज रिमेम्बर. ओके मैक्सिमम स्टूडेंट्स माइट बी कन्फ्यूज अबाउट द टू कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स. अप्रेज मीन्स अप्रेज मीन्स टू इनफर्म गोटे जिनस इनफर्म करवा बट अप्रेज रे आनालीसीस करवा आपण मैंने जानते गोटे अर्गानाइजेसन गोटे वार्ड अच्छी. ओके आई होप सो यू माइट हाव नोन 360 डिग्री और 360 डिग्री अप्रेजल. ओके दैट मीन्स द एचआर और यू कैन से the like MD of the organization had a 360 degree appraisal among the employees. Okay,
ऑल डायरेक्शन को देखिए जो आम आनालीसीसटा करवा कह अप्रेजल। अच्छा देन प्रिकारियस, प्रिकारियस इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव व्हिच मीन्स वर डाउटफुल। ओके सो हियर वी कैन से प्रिकारियस मीन्स डाउटफुल, अल्सो वी कैन से लाइक दैट इज केयस। ओके कहींपर आम परप्लेक्स। ओके देन डुबियस, वी कैन से डुबियस। देर आर द मेनी सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड दैट इज प्रिकारियस। देन दैट इज रिपरेशंस, रिपरेशंस माने आम जब कह कंपेनसेशन, कंपेनसेशन इज देर इज अनदर वर्ड कंपिटेटिव। आम जो नर्माल कहे कंपिटेटिव, देर इज अनदर वर्ड इज अल्सो लाइक ओके कंपिटेटिव एनवायरमेंट और यू कैन से, बट हियर इट इज कंपेनसेशन। कंपेनसेशन माने क्षतिपूरण, हियर इट इज कंपेनसेशन मीन्स क्षतिपूरण करवा कि गोटे जिसको आम रिकवर करूचे। ओके देन नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कामराडेरी। ओके कामराडेरी मीन्स इट इज अल्सो यूज एज अ नाउन, जार मान लगे गोटे पूरा भल बंधुता रईट। गोटे आम सपोज इफ आई से देर इज अ कामराडेरी बिटवीन इंडिया एंड द डिफेन्स कंट्री इज्राएल। ओके सो यू कैन से देर इज अ वेरी फ्रेंडशिप, देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। सो यू कैन से देर इज अ कामराडेरी इन बिटवीन इंडिया एंड इज्राएल। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिकर, हियर ब्लिकर इज ऑल्सो यूज एज एन एडजेक्टिव एंड सी इट मीन्स डेजर्टेड, डिसलाइक्ड और टेस्टलेस। ओके इफ आई टेल यू वन ऑफ द एग्जाम्पल, द एब्सेंस ऑफ द चिल्ड्रेन, द एब्सेंस ऑफ द चिल्ड्रेन क्रिएटेड ए ब्लिकर प्लेस इन आवर हाउस। ओके तो आम कहीपर ब्लिकर मीन्स इट्स एज अ लाइक adjective. Then mellowed, mellowed means soft, subtle. Okay good in so come subtle kar deba like. Okay then expediency which means convenience, subidha actually comfortable, nijara subidha nijara comfortable zone ko am dekhi jo word use karuche that is expediency. If I'll say nowadays the parents are allowed their children to choose the optional as per their expediency, nijara convenience nijara comfort dekhiki samane choose karibe. Next word is hotling. Hotling means it is actually used as a verb and which means rush, gush and collide. Okay collide he jiba rush kariba like we can, so if I'll say the students are hotling towards the magician. ओके जोरे जोरे दौड़ी जाऊँच रस लाइक इन ए हरिड मानर आई कैन से। देन प्रोपागंडा, प्रोपागंडा आई थिंक दिस इज वेरी कमन वर्ड टू ऑल ऑफ अस व्हिच मीन्स अ प्रमोशन। ओके इंक्रीमेंट आम कह पारे दिट इज प्रोपागंडा। नेक्स्ट वन इज प्रोंग, प्रोंग इज अल्सो नाउन एंड तार मान है थर। ओके दैट मीन्स समथिंग लाइक ओके इफ आर ऑब्स्टेकल बैरियर हिंडरेंस। देन कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पाउज्ड, Espoused is used as a verb, which means bolster, advocate, perpetuate. Kariba like support kariba, strengthening kariba, that is also used as espoused. If you can say on the example, the vocabulary knowledge espoused the entire English capability. Okay, then next one is squirm. Squirm means what? Wriggle. It is used as the verb, which means wriggle. Then प्रिभारिकेट, जार मान है इग्नोर करवा, डजिंग करवा, इग्नोर करुचे आम जन को, डो नेवर ट्राई टू प्रिभा, नेवर ट्राई टू प्रिभारिकेट टू योर नियरर एंड डियरर वन। देन पैंथियन, पैंथियन मीन्स व्हाट? गॉड्स अबोच, एक्चुअली पैंथियन मीन्स इट इज द प्लेस ऑफ द गॉड, भगवान को स्थान को आम पैंथियन कहचे। ओके ईच एंड एवरी नॉन वांट्स टू बी टू लिव इन पैंथियन, वी कैन से। आरएन, आरएन इज अल्सो यूज एज अ भर्ब व्हिच मीन्स आक्यूज, दोषारोप करवा, दोष दवा जन को। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिंजेस, फ्रिंजेस इज यूज एज अ नाउन हियर व्हिच मीन्स स्ट्रिप स्ट्रिपिंग करवा। देन मिंडर, मिंडर मीन्स वांडर और नोमैड। ओके मिंडर मीन्स समथिंग लाइक अनएक्सपेक्टेडली जन लाइक देर मे बी सम पर्सन हुई बी लाइक मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई यू कैन से यू माइट हैव और यू माइट हैव द वर्ड इन द हिस्ट्री लाइक दैट इज नोमैड। ओके इन एंशियंट हिस्ट्री यू माइट हैव लर्न द वर्ड इज नोमैडिक। ओके
So that one is also we can say that one is Minder. Then next one is root-based technique. Okay, I think it will be very, very important for you. You will learn many words from the root-based technique one, which means killing, shoot, which means killing or murder. Okay, so first of all, let me start from one by one. Matricide. Matricide means killing mother. Patricide, killing father. Parricide, killing parents. See, only you have to remember. कहुची जेते SSC CPO exam बाहरी जाई ची already. Okay. And so SSC especially you can say that this question may be or it may be come okay in your exam prospectus. So have a look properly. So matricide killing mother, patricide killing father, parricide killing parents, thatricide killing brother. See, maximum people maximum students confuse one thing, that is patricide. Again, patricide. Okay, and what else? Fraternity. ठीक अच्छे तो मुझे क्लीयर करदे जो फैट्रीसाइड आम कहे किलिंग ब्रदर ये तो आप देखिपे बट जो आम कहे कि फ्राटर्निटी फ्राटर्निटी इज समथिंग एल्स दैट इज लाइक ब्रदरन ओके कैन से भाईचारा भ्रातृत्व भाव आम जोटा कहूँ कह फ्राटर्निटी देन सोरोरीसाइड किलिंग वन सिस्टर एक्जोरीसाइड किलिंग वन्स वाइफ जदि आम कहे मैरिटीसाइड किलिंग वन्स हजबैंड देन सुइसाइड This I think this is very common to all of you. It means killing oneself. Infanticide means killing of a baby. Infant, that see there is something different between infanticide and feticide. Okay, infant ko jodi ami kill karuchi seta infanticide kouche the act ko, but it is gote achi feticide. Don't be confused, guys. Fetus and feti they are apparently same. Okay, fetus. Or feti. So killing of fetus or killing of fetus is known as feticide or foeticide. Genocides means killing of a racial group, which means genocide. Then regicide, killing of a ruler. जब हम गोटे ruler जब गोटे emperor को kill करा दो जी तार को जी regicide. Homicide, of course, if you are killing any human being in general, that is known as homicide. Siblicide, siblicide word अच्छी जी generally हमें तो कोई sibling. ओके सिब्लिंग आम कहे निजर भाई भौणी रईट फ्रम वन पेरेन्ट्स सो हियर किलिंग साइड मीन किलिंग वन सिब्लिंग साइड किलिंग वन ब्रदर और सिस्टर तापर किली साइड को जीवा किली साइड हूँ किलिंग ओन सन और डॉटर एक्चुअली इट इज मिस्ड द वर्ड किलिंग ऑफ ओन सन और डॉटर दैट इज नोन एज किली साइड देन अमी साइड किलिंग ऑफ वन फ्रेंड मैं जस्ट पूर्व कही अमिटी ओके आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस जस्ट Before 2-3 minutes, MET. MET means what? Friendship. So if I killing one friend, okay, so that is homicide. Then avicide. Okay, I think gote word to apan mane janithibe like aviary. Okay, aviary gote asuchi. Thik achi. Birds mane jouthi huanta birds where they are kept. That is known as aviary. And if I talking about killing of birds, that is known as Avicide. Canicide, okay, genuinely it is the word, it is related to dog. Herbicide, also it is killing a plant, herbivorous, we can say, okay, herbivorous, so sabu word it is linking, okay, I think you people might not be felt any difficulty, you people might not be felt any difficulty, okay, so I think it will be better that you will be helped easily to remember all the words. Then fungicide, killing of fungus. Bovicide, killing of cattle. That is killing of cattle, which means bovicide. I am going to say. Maticide, killing of profit. Germicide, killing of germs. And ecocide, that is destruction of environment. We are telling that is known as ecocide. Okay. So I think these words will be. These are very important for you guys. So you have to perpetually read and practice. Okay, and also as these are very very important for your exam purpose. Okay, so I think if you like this video properly, please like, share, and subscribe. And also further, I will bring you many more important words for your exam prospect. Okay, thank you very much.